पीलीभीत से गाजियाबाद जा रहे भूसे भरी ट्रैक्टर को ट्रक ने मारी टक्कर। मुरादाबाद मुंडा पांडे नेशनल हाईवे छपड़ा मोड़ के पास ओवरलोड भूसे से भरा ट्रैक्टर जा रहा था, तभी अचानक से पीछे आ रहे अज्ञात ट्रक की साइड लगने से वह पलट गया। पलट जाने से ट्रैक्टर पर बैठे 6 लोगों में से 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हाईवे कर्मचारी ने बताया कि छपड़ा मोड़ के ठीक सामने भूसे से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया, जिसकी वजह से हाईवे जाम हो गया। क्रेन की मदद से भूसे से भरे ट्रैक्टर को साइड में कराकर जाम खुलवाया और घायलों को निजी अस्पताल से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अज्ञात ट्रक की तलाश में जुटी है। नेशनल हाईवे से रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर, हम लोग रामगा के आसपास पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे, तब हमें कंट्रोल रूम से खबर आई कि छपरा कट के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है भूसे की भरी हुई, जिससे कि रोड ब्लॉक हो गया पूरा। तब हम फास्ट वहाँ से चले और इसको देखा, पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी हुई थी भूसे की। इसको किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है, नॉर्मल सी चोट है। कितने लोग बैठे थे इसके ऊपर? 4-5 बंदे लेबर के थे, एक ड्राइवर था। ये ड्राइवर बता रहा था कि कोई ट्रक वाला साइड मार रहा था, उससे हमने बचाने के लिए ओवरलोड होने के कारण ये भूसा कंट्रोल नहीं हो पाया, जिसके कारण ये पलट गया, पूरा रोड ब्लॉक हो गया। लगभग इसको आधा घंटा हो गया। कितने देर हाईवे पर जाएगा? इस पर एक हाईवे की क्रेन लगी हुई है, एक प्राइवेट हेडर लगा हुआ है, लगभग 10-15 मिनट में इसको खोल दे। सलमान नाम है जी। हादसा ऐसे हुआ जी, कैंटर वाले ने साइड मार दी। हम पीलीभीत से आगे से भूस भर के ला रहे थे, हापुड़ जा रहे थे। हम 5 लोग थे, 3 लोग ट्रोले के ऊपर थे और 3 लोग नीचे थे, 6 लोग थे। अब इसमें 4 जनों के चोट लगी है, वो 2 हॉस्पिटल को गए हैं अभी, और एक भैया जिसने कैंटर से चोट लगी है वो उसे देखने गए हैं। फिलहाल अभी वो मिले ना, उसकी कार्यवाही में गए हैं। कैंटर वाला भाग गया अभी तुरंत जी। हमें करीबन आध घंटा हो गया यहाँ पर जी। रोड बंद है।